नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो RBSE के अंदर जो संस्कृत का एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार से आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हो, ये 2022 के एक स्टूडेंट की कॉपी है जिसने लगभग 79-80 के आसपास इसने नंबर प्राप्त किए। तो आप भी इस प्रकार लिख करके नंबर प्राप्त कर सकते हो, बस कुछ ध्यान रखना है आपको। जैसे कि इसने देखो जो पहले ऑप्शन वाले है तो इसने खंड अ नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखना थोड़ा खंड अ ऊपर लिख दिया करें। और यहाँ पर आप देखो साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, तो यहाँ पर आप प्रश्न संख्या ना लगाए, प्रश्न संख्या इस लाइन में ही लगाए और उत्तर में इसमें आप लिखे। तो देखो किस प्रकार से इसने आंसर लिखे, तो आप भी इस प्रकार से आंसर लिखकर खाली जगह ये इस प्रकार से कर सकते हो। और बस ये इस बात का ध्यान रखना, इसने देखो लाइन खींच करके मतलब नया कोई पार्ट शुरू किया है, तो आप खंड अ खंड ब ऊपर लिख दिया करें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, बार बार पेपर ना देखना पड़े। तो इस प्रकार से ये संस्कृत का जो पेपर है तो किस प्रकार से लिखा गया है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आप भी इस प्रकार से लिख करके पूरे 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में आपको ये बता देता हूँ। और RBSE के जो लास्ट एग्जाम संस्कृत का है उनके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसने देखो 10 पेज के अंदर काम पूरा किया, बाकी वाले पेजों को आप पीछे से काट दिया करें, एक लाइन खींच ले या फिर लिख दे समाप्त, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है, आगे नहीं देखनी है कॉपी। इसी प्रकार वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।